नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका रीजनल गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत ही शानदार ऑप्शन है आपके पास, अगर FTA में एडमिशन नहीं होता है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक्टिंग का फील्ड भी है, इसमें एक्टिंग की स्ट्रीम का कोर्स है, उसके अलावा टोटल कोर्सेस से जो भी FTA में कोर्सेस है ना, लगभग इसमें कोर्सेस है। उसके अलावा एक ऑप्शन रोहतक वाला जो हरियाणा का गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सॉरी, और केरला का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो एक कर्नाटक का जो है, क्या नाम MGR है कौन सा है, ऐसा करके उनके ऑप्शन बहुत शानदार है। ये 4, 5, 6 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया में आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। तो इसकी डिटेल हम देखते हैं, चलते हैं आगे। इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद फिर इसमें एडमिशन कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ़ीस कितनी है, कौन कौन से इसमें स्ट्रीम है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो कर ही सकते हो, तो थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखाओ और दिखा ही रहे हो वैसे तो इसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर ये देखिए गुवाहाटी में है ये इंस्टीट्यूट और बहुत ही शानदार है ये इंस्टीट्यूट। मैं तो इस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है भाई, पढ़ना अपने ऊपर है, यहाँ पर काम निकलाना आना चाहिए। ये डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका के ऊपर ये लिखा गया, तो ये इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ये फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये देखिए ये फाउंडेशन से यहाँ पर दी गई है, ये है, ये इसका फ़ोटो दिया गया है, इस टाइप का ये इंस्टीट्यूट है, तो आप देख लेना इसको। और भाई वीडियो के बीच में अगर एड आते हैं तो उनको भी ज़रूर देखना भाई। तो ये इस तरह से फ़ोटो दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से ये शायद CMEM है वहाँ के, तो ये यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जिस तरह से एक्टिंग के लिए शूटिंग वगैरह होती है, इनका विज़न क्या क्या है, आगे चल के हम देखेंगे क्या क्या। और इसमें बस वगैरह बहुत सारी सुविधाएं FTI के जैसा ही इंस्टीट्यूट है लगभग। ये देखिए कौन कितनी अच्छी क्वालिटी का वहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट या टेक्निकल जो सामान होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला कोर्स है वो मोशन पिक्चर फोटोग्राफी का जो कोर्स है वो है। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही शानदार है। तो ये यहाँ पर दिया गया कैरिकुलम, यहाँ पर ये देखिए क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, तो 10th + 12th मतलब 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। ऑडियोग्राफी एंड साउंड इंजीनियरिंग, जो साउंड का जो कोर्स होता है बेसिकली, तो यहाँ पर ये फ़ोटो देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार ये मतलब स्ट्रक्चर उनका बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने के बाद में भी, और ऐसा ही होना चाहिए यार। FTA का तो सिर्फ हुआ बना रखा है कि FTA में एडमिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई, अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग, यहाँ पर ये देखिए ये कोर्स है, ये फ़ोटो आप देख सकते हो यहाँ पर, और 10th + 12th यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्लाइड एक्टिंग, जो एक्टिंग का जो कोर्स होता है उसके लिए भाई अदर कोर्सेज कवर होते हैं इसके एक्टिंग के अंदर, योगा और एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट, मूवमेंट, डांस, म्यूजिक, बॉयज़ वर्ल्ड थिएटर, मॉडर्न इंडियन थिएटर, सब इसमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये देख सकते हो आप फोटो कितना शानदार तरीके से यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्टर को सजाया। तो इसका अगर 50% भी अगर वो इंस्टीट्यूट में निकल आया ना ये सारी चीज़ें रियलिटी में, तो काम हो जाएगा अपना, मतलब पैसे वसूल चीज़ है क्योंकि फ़ीस बहुत कम है इसकी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर एडमिशन है ज़रूर लीजिए अगर मौका मिलता है तो। और ओवर ये कोर्सेज ओवर भी यहाँ पर फुल टाइम कोर्सेज 3 ईयर यहाँ पर इनकी जो है ड्यूरेशन है। कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पर 2nd एंड 3rd ईयर यहाँ पर दिया गया 1st ईयर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 सीटें हैं सभी में, 4 जो कोर्सेस हैं इनमें, और कोर्स कंटेंट 1st ईयर यहाँ पर ये दिया गया है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से पढ़िए आप आराम से। कोर्सेज कंटेंट यहाँ पर 2 एंड 3rd ईयर में क्या क्या सिखाया जाता है इस तरह से, असेसमेंट पैरामीटर्स, एकेडमिक ईयर्स यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से, हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DVHRGFTI.assam.government.in, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी वेबसाइट है, 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर दी गई है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी चलेगा, फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये ये मैंने आपको बता ही दिया। और 10th + 12th आपका जो है होना चाहिए कंप्लीट। और सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया है। 20% मार्क्स आपके जो 10th + 12th के जो मार्क्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, बाकी जो ऑनलाइन बाय बाय होता है उसका 60% होता है। तो ऐसा करके ना ये पूरा का पूरा मतलब एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ FTA जैसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है,
कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये बहुत यहाँ पर सिंपल रखा है। और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन आप यहाँ पर पढ़ लेना, आईज वगैरह चेक की जाती है, एबिलिटी तो टू हेयर बाइपर अ डिस्टेंट ऑफ 30 सेंटीमीटर्स यहाँ पर ये दिया गया है। बाकी और अब यहाँ पर फीस देखते हैं, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया गया है, ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसमें टोटल फीस क्या दी गई है। टोटल फीस इसकी यहाँ पर देखें, कई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, तो 31,000 और 19,000 ये फीस है इसकी, 31,000 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। तो टोटल आप अगर ऐड करेंगे तो ये लगभग 50,000 के समथिंग है। और ये आप देख सकते हो, ये हॉस्टल फीस यहाँ पर अलग से दी गई है, ये एक तो 6,400 है और 11,400 है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। तो टोटल कुल मिला के 60,000 में आपका एक साल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर नोट दिया गया है कि एकेडमिक सेशंस कब कब होते हैं, एज लिमिट यहाँ पर 24 ईयर्स ऑन 1 जुलाई इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स, मतलब कि इसकी एज लिमिट दी गई है यहाँ पर 24 ईयर का होना चाहिए एज लिमिट, रिस्पेक्टिव ईयर्स 1 जुलाई यहाँ पर ये 24 साल से कम होनी चाहिए, इस टाइप का यहाँ पर दिया है शायद, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से, ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ 24 एज लिमिट यहाँ पर, अच्छा एज लिमिट है तो वो 24 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इंग्लिश रखा गया है, अटेंडेंस इन क्लास 80% होना ही चाहिए आपकी। अदर डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, बुक्स फिल्म एंड वीडियो लाइब्रेरी वहाँ पर है, बहुत ही शानदार, ये बहुत ही हॉस्टल यहाँ पर कैंटीन यहाँ पर, ये देखिए ये लाइब्रेरी यहाँ पर, ये आप देख सकते हो फिल्म मेकिंग का जो भी जिम वगैरह बस है इनकी, और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर। अदर डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, स्कॉलरशिप यहाँ पर, ये स्कॉलरशिप का यहाँ पर नो स्कॉलरशिप इन एनी फॉर्म, स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं मिलेगी भाई, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, लिखा है यहाँ पर ये लास्ट में फर्स्ट लाइन में आप देखिए, नो स्कॉलरशिप इन एनी फॉर्म, तो ये यहाँ पर देख लेना, क्योंकि फीस ही बहुत कम है तो फिर क्या स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें से। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट ये मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लगता तो ऐसा ही है कि बहुत ही अच्छा है, जाना चाहिए इसमें, कोई अगर पहले से गया है तो उसका एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेना। इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये देख सकते हो, और ये पूरी ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये दी गई है, तो ये पूरी आप देख लीजिए, और इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये है, ये आप देख लीजिए पूरी की पूरी, ये फ़ोटो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर इसका 50% भी निकल आया ना तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका रीजनल, ये इसका पूरा का पूरा एड्रेस दिया है, सीला चंगसारी गुवाहाटी आसाम, इसका ये टेलीफोन नंबर है, तो आप इस पर कॉल करके आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इनका यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका रीजनल गवर्नमेंट FTI, और ये पूरा इसका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, फेसबुक पेज यहाँ पर इनका ऑफिशियल मिलेगा। उसके अलावा इनका ये नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर है, ये तो ये पिछले 2022 का ये प्रोस्पेक्टस है, 2022-23 का, 22-23 का मतलब इस साल का ही है। तो अब इसमें वेबसाइट पे आप चेक करते रहना कि इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कब होता है, बाकी अगर निकलेगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पर जाने के लिए भाई मुझे कमेंट कर देना कि इस पर वीडियो और चाहिए, तो इसकी जो भी इसकी जो प्रोसेस है, फीस वगैरह और भी मैं आपको यहाँ पर, ये इसका और भी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको, काउंसलिंग टेक्निकल स्टेट ये किसके अंदर आता है, एफिलिएटेड है किससे, और अप्रूवल एप्लीकेशन ये है पूरा का पूरा, ज़्यादा मतलब इतना बड़ा भी नहीं है FTI जैसा, छोटा ही है लेकिन बहुत ही अच्छा है, लिमिटेड है, अच्छा है लेकिन, और सीट भी कमी है, 11 हैं तो लगभग 44 सीट है टोटल, इसमें 44 बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि ये जो 44 है इसमें पूरे के पूरे 44 आ गए हैं, 44 44, और ये भूपेंद्र जो हजारिका है उनके नाम पर ये रखा गया। देखिए, गिव्स अ इमीडिएट प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका रीजनल गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट इज़ अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पूरा देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, जिनकी एज 24 से कम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप इनकी जो
कॉल है, मतलब जो इनका नंबर है ना उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या इसकी एज लिमिट है, हो सकता है चेंज भी हो जाए किसी साल। बाकी ये तो यहाँ पर तो एज लिमिट यहाँ पर 24 बता रहा है इसमें तो, और वो भी क्लियर नहीं है कि बिफोर 24 आफ्टर 24 क्या, मतलब वो भी डिटेल में नहीं है। लेकिन हाँ इसकी एज लिमिट शायद 24 के लगभग होगी, इसीलिए 24 वहाँ पर लिखा है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है इसमें कोर्सेस। बाकी ये कोर्सेस तो बहुत ही, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत शानदार है, ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, लगभग सभी के लिए बहुत, ये एक्टिंग वालों के लिए आप देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर दिया गया है। और कोर्सेस ओवर भी यहाँ पर देख सकते हैं, 11-11 सीटें हैं, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या क्या सिखाया जाएगा वो भी यहाँ पर दिया है। 2 सेमेस्टर होते हैं, ₹500 इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की, ज़्यादा फीस भी नहीं है FTA जैसे खूब। तो मेडिकल यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है उसके बाद में, और बाय बाय होता है, इंटरव्यू बोल सकते हैं एक तरह से, बाय बाय क्या, तो इंटरव्यू में जो भी पूछे वो बता देने का, उसके बाद फिर एडमिशन आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। और ये इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये देख सकते हो, ये 31,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की 19,000 है, तो टोटल 50,000 हो गए। हॉस्टल फीस यहाँ पर 6,400 है सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की जो है वो है 11,400, तो ये टोटल 11, 11 और 6 कितने होते हैं, 11 और 6 17, 17,800 टोटल इसकी हॉस्टल फीस हो जाती है एक साल की, तो लगभग 18,000 ये और 50,000 ये, तो 60,000, 70,000 के समथिंग, ये 70 के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। इसका जो टाइम यहाँ पर 10 से 17 घंटे का यहाँ पर दिया है, टीचिंग और मेडिकल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही होगा, यहाँ पर हिंदी में नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, 80% होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि एडमिशन ले लिया और कॉलेज जा ही नहीं रहे, घर ही हैं, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा यहाँ पर। और इसकी पूरी अगर और वीडियोस चाहिए इस पर तो, और मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इस पर वीडियो और लेकर के आ जाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।